हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। इसमें देखो, मैं आपको बता दूँ कि आपका पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा, आपको पता है, और आपको 50% करना है। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर का करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके 50 नंबर के हो जाने चाहिए बस, ठीक है ना। इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट पर्सन है इसमें आपके क्वेश्चन है, इसमें देखो दोहरा निषेधाधिकार क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ट्रेमेन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पंचशील के कोई 4 सिद्धांत बताइए। भारतीय विदेश नीति के कोई 2 लक्षण लिखिए। सार्क क्या है इसके बारे में लिखना है। पेरेस्ट्रोइका का स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद का अर्थ क्या है। पूर्व की ओर देखो कि नीति क्या है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखो, इसमें 2-2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आएंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। शीत युद्ध क्या है इसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। परमाणु प्रसार की विवेचना करनी है। और उसके बाद देखो, मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। उसके बाद देखो, आपका आगे जो क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले क्वेश्चन, इनमें देखो तृतीय विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। तृतीय विश्व युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन कीजिए और सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए। उसके बाद देखो, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। इसकी उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद देखो, आपका 5वां 6वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्ति और मुद्दों को इंगित कीजिए और आसियान के संगठन और कार्य और भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके बाद देखो, मैं आपके लिए 2 पेपर एक साथ लेके आया हूँ, क्योंकि एक पेपर में आपके क्वेश्चन आना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो 2 पेपरों के अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन है वो तैयार कर लेते हो तो आपके लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे। इनमें देखो, आपका जो छोटे वाले क्वेश्चन है इसमें देखो, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। मास्ट्रिच संधि क्या है। दितांत से आप क्या समझते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम लिखिए। शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका के मध्य विवाद के कोई भी 2 बिंदु लिखिए। उसके बाद देखो, बेलफोर उद्घोषणा क्या थी। UNFCCC क्या है इसके बारे में लिखना है। एशियान का पूरा नाम लिखना है। भारत में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। उसके बाद देखो, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 2 मूल उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कोई 5 कारण लिखिए। साम्यवादी गुट के बिखराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले कोई 5 प्रभाव बताने हैं। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का लघु टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है बड़े वाले क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है ना, अगर आप छोटे वाले नहीं करते हो तो। 1953 से 1963 के मध्य शीत युद्ध के मुख्य मुद्दों पर निबंध लिखिए। अमेरिका की तृतीय विश्व युद्ध के राष्ट्रों के प्रति नीति की चर्चा कीजिए। भारत की विदेश नीति के निर्माण पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों पर निबंध लिखिए। आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए ब्रिक्स के बारे में और इप्सा के बारे में। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, जिससे आपकी एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।